नमस्कार, मैं हूं सुमेश झाका और आप देख रहे हैं VTS लाइव न्यूज। और इस वक्त हम चरखी दादरी के हीरा चौक में मौजूद हैं। आप हमारे पीछे यहां पर हीरा चौक के काफ़ी सारे दुकानदारों को यहां पर देख पा रहे होंगे और काफ़ी समस्याएं इनको यहां पर हैं। आज इनकी समस्याओं को जानने के लिए आए हैं कि एक तरफ तो जहाँ चुनाव चल रहा है, लोग जो हैं, राजनीतिक जो लोग हैं, वो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हम लोगों को बड़ी ही अच्छी सुविधाएँ देंगे, उनकी जितनी समस्याएँ उनका समाधान करेंगे। वहीं दूसरी तरफ ये इतने सारे लोग जो आप यहाँ पर मेरे साथ देख रहे हैं, ये सभी के सभी समस्याओं से ग्रसित हैं और लगातार जो है इनकी आवाज को उठाने वाला कोई नहीं मिल रहा है, क्योंकि जब भी आवाज उठाते हैं केवल आश्वासन मिलता है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बात करते हैं यहाँ पर। जी सर, क्या समस्याएं आई हुई है? सर, मैं दीपक नागवाण हूँ, हीरा चौक बाजार का प्रेसिडेंट हूँ। सर, 5 दिन से रेगुलर पानी नहीं आ रहा, बार बार शिकायत करने के बाद में कोई भी सुनने वाला नहीं है। ये आपके सामने रहा, पानी की टंकी देख रहे हो, सारी चीज़ प्रोवाइड की हुई जी उनकी, इसमें पानी नहीं है और कहने के बावजूद भी बुरा हाल है, कोई भी नहीं सुनता। और बड़ी बड़ी डिंगे आँक के यहाँ पे चले जाते, कल आएगा, परसों आएगा, दिस थिंग दैट थिंग एंड ऑल दैट, दरअसल पर कुछ नहीं है जी। एक के बाद एक नेताएं भी आ रहे होंगे आपके पास। उससे पहले जैसे काफ़ी सारा यहाँ पे तोड़फोड़ मचाई थी, उस दौरान में जो अधिकारी थे वो भी आए होंगे, उस दौरान भी ये सारी चीज़ें आप लोगों ने रखी होंगी, कुछ नहीं हुआ क्या? सर, उस टाइम पानी की तो कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन तोड़ के जाने के बाद में किसी ने यूँ नहीं कही भाई आपने किस चैनल के हिसाब से अपना पैड़ी बनानी, पौड़ी बनानी है या नहीं बनानी है। वो मेटेरियल को उठा के चले गए, जैसे तैसे करके लोगों पे वैसे फेर बता रहे, कोई आइडिया यूँ नहीं बता रहे, आपने यहाँ रह कर ये करना है जी। और यही सफाई की व्यवस्था है, सफाई का है, सफाई का बुरा हाल है। बार बार में कहने के बावजूद कमेटी को खूब आगाह करवा लिया, अब ये बुरा हाल है, मच्छरों का आगाज है, नाले साफ नहीं होते, नाले साफ नहीं होते बिल्कुल भी। और बार बार कहने के बावजूद कोई सुनवाई नहीं, ऐसे कैसे सुन के चले जाता, कल करवाएंगे, परसों करवाएंगे। अच्छा, अभी जब आप बता रहे हो कि 5 दिन से पानी नहीं आ रहा है, तो 5 दिन से पानी नहीं आ रहा, व्यवस्था कैसे हो रही है फिर, बिना पानी के रह कैसे पा रहे? टैंकर जो अच्छे बहुत आए, पैसे जिसके पास पैसे की गुंजाइश होती है, 500-600 रुपये का टैंकर मंगवाते हैं सर, और पानी का एक टैंकर के एक आदमी के रितवाने के लिए जगह नहीं होती, तो 2-3 जगह पर रितवाना पड़ता है। भाई मेरे पास पैसे हैं तो 600 रुपये का टैंकर लगवा दिया, मैंने 2-3 लोगों को खाली करवा दिया, मेरे लिखवाने की जगह नहीं है, लेकिन किसी के पास में पैसे वही तो पानी पिएगा। एक चीज़ और बताओ, ये बाजार में समस्या है या लोगों के घरों में? ये सर, हीरा चौक से बूस्टिंग स्टेशन से लेकर, हीरा चौक के बूस्टिंग स्टेशन लेकर बधवाना गेट जोन, चरखी गेट जोन और गौशाला जोन, तीनों जोनों पर ये की बात है, कहने वाले आदमी मेरे जैसे होते हैं, अदरवाइज और कोई कहता नहीं है जी। अंकल जी, क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूं। मैं धर्मवीर सैनी, वार्ड नंबर 13 जी। मैं पानी की इतनी समस्या है जनाब, अब ऊपर टंकी में पानी थोड़ा आता है और जब ये चला जाता है। मैं कर्मचारी हो, अधिकारी हो, एक्शन SDO जे हिसाब से मैं कई दफ़ा मैं गया, एप्लीकेशन दे चुका, लेकिन कोई सुनाई नहीं करे जाते। लेकिन रहने के बाद में घरों के अंदर आप जाकर देखोगे ना, एक बूंद पानी देते, लेकिन हाहाकार लगी हुई है, हाहाकार मची हुई, आप मौका जाकर देखें, अभी घरों के अंदर कोई भी पानी नहीं है। भाजपा की सरकार है, भाजपा के लोग ये कहते हैं कि हमने तो पूरा विकास करा दिया है, पानी टेलों तक पहुंचा दिया है, नहरों के टेलों तक तो मेरे ख्याल पानी पहुंचा, पता नहीं आपके घरों तक ही नहीं पहुंच रहा है। और सर, ऐसा है कि वार्ड नंबर 13 के अंदर प्रेशर नहीं है, घरों के अंदर पानी नहीं जाता, नलके तो खोल देते हैं, घरों में तो पानी जाता ही नहीं, लोगों के घर तक तो पहुँचता ही नहीं। और वायदा भाजपा सरकार कितने भी वायदा करो, लेकिन जनता बता देगी अभी ठीक है गलत है। तो अभी जवाब देने वाले चुनाव भी चल रहे हैं। हाँ, चुनाव देने लगे, आपने बता दिया, मैंने जब समस्या लोगों के नहीं मिटेगी, पेट के लिए पानी नहीं होगा, तो फिर सरकार क्या करेगी जी? चुनाव का क्या करें, लोगों के मन खत्म हो रहे हैं इस टाइम में, लेकिन करें क्या, पानी पीने के लिए नहीं होगा संसार के अंदर, तो सरकार क्या करेगी? जनता ने तो वोट देने हैं, वोट कैसे देगी जनता जब पीने के लिए पानी नहीं है आदमी का, तो इसलिए ये जी कितने बुरी हालत है, हालत बुरी कितनी है? बहुत बुरी हालत है जी। थोड़ा बोल नहीं पा रहे, लेकिन इन्होंने बता दिया हालत बुरी है जी। भाई साहब, क्या हाल? दादरी का ये इलाका, दादरी शहर का सबसे ज्यादा पुराना इलाका है, जहाँ पर सारी आबादी रहने वाले लोगों की है, एक रेजिडेंशियल एरिया है। अब रेजिडेंशियल एरिया को यहाँ की सरकार से कोई मदद नहीं मिल रही, यहाँ की सरकार का कहना है कि पानी जब आएगा तब सप्लाई करेंगे, लेकिन इतना जो यहाँ पर जोन है रिहाइश के हिसाब से, उसके हिसाब से पानी की तो उपलब्धता है ही नहीं बिल्कुल। और इतने दिन में पानी आता है यहाँ पर, तो 4-4, 5-5 दिन निकल रहे हैं पानी के लिए। तो इंतजाम कैसे करते हो टैंकरों से? इस हफ्ते में 2 बार टैंकर मेरे घर पर आ चुका। अच्छा, और मेरी गली में भी यही हाल है, मेरे वार्ड में भी यही हाल है जी, सबके साथ यही। आपके यहाँ पे भी ये हाल है? हम तो पड़ोसी हैं, ये ने कह दी वाए बात कह दी सब। और इधर और भी राजेश भाई, क्या चल रहा है अभी? मैं राजेश खजांची,
वार्ड नंबर 13 से। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इस साल नहीं, हर साल की बात है ना, पानी हर साल हमें दिक्कत पानी की होती है। हम भी ये सोचते हैं कि चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद भी पता नहीं क्यों हमारा एरिया पिछड़ा घोषित कर रखा है इन्होंने सरकार ने, और सरकार कह रही है, कहती है वोट दो, इलेक्शन का टाइम है, वोट तो जब सोचेंगे ना, जब हमें पीने के लिए पानी मिलेगा, पानी नहीं मिलेगा तो हम जियेंगे, जब वोट के बारे में जब सोचेंगे, जब हम जिंदा रहेंगे। ये हर साल की समस्या है, जिस किसी अधिकारी को बोलते हैं वो कहते हैं लिखा होगा, जल्द होगा समाधान, डेट कोई नहीं बताएंगे, समाधान कब होगा, हमेशा ही की लैंग्वेज आती है, जल्द समाधान होगा, आश्वासन मिलता है। कोई पानी का नहीं, पाँच पाँच छः छः दिन पानी हो जाता है, गर्मी का सीजन है, कूलर वगैरह भी है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा तो क्या फायदा होगा। जी, इलेक्शन आते आते हालत यह है जी, देख लो, समझ लो आप लोग, नेता लोग आगे भाषण दे जाते हैं, किसी को बोल रहे हैं वो पहले कहते हैं वोट की बात करो, वोट की बात तो जब करें जब वो हमारी मूलभूत सुविधाओं की बात करेंगे। जी, इलेक्शन में तो यही इसी हीरा चौक के अंदर ही लोग आगे करके वोट मांगेंगे, उनसे भी आप लोग ये चीजें कहने वाले हैं या नहीं? बिल्कुल कहने वाले हैं, पहले भी कहा है हमें, लेकिन हर बार वो आश्वासन दे जाते हैं। हमें तो ऐसा लगता है अगर ऐसा ही हाल रहा तो हमें हीरा चौक में बैठ के धरना देना पड़ेगा। जी, तो अपने तो यहाँ के विधायक भी सरकार में शामिल थे, फिर भी ऐसी हालत क्यों है दादरी की? ये तो आप लोग, आप ज्यादा उनको कवर करते हो, आपको ज्यादा पता है, हमारे को तो ये पता है, ये पूरा इलाका जो वार्ड नंबर 13 का है चरखी दरवाजा, इसमें पानी की समस्या इस साल नहीं, हर साल ऐसे ही रहती है, पानी पाँच पाँच दिन में आता है तो दो मिनट खोल जाते हैं, प्रेशर नहीं बन पाता, और टूटी खोलते हैं तो बूंद बूंद पानी आता है। ये देख लो जी, ये हालात है, हर किसी के पास इतना पैसा होता नहीं कि वो टैंकर डलवा सके। जी बिल्कुल, कितने का टैंकर डलता है ये जी? 500 रुपए का। 500 रुपए का? हाँ, 500 रुपए, कभी इधर जाता है कभी इधर जाता है, और टंकी वाले को साथ नहीं मिलता पानी वाले को, ठीक। और जो ये पानी की समस्या है ना, अगर सरकार तो अगर इसकी सहूलियत कर देगी तो आ जाएगी, नहीं तो ये अभी खत्म हो जाएगी। तो सरकार बदलोगे फिर अब? हाँ, बदलने की भी संभावना है जी, सरकार बदलने की संभावना। भाई जी, क्या हालात है आज पानी के, बिजली के, दूसरी चीजों के? पानी का भाई साहब बहुत बुरा हाल है, पानी की इतनी समस्या खराब है, कुछ कुछ ही मत, पानी आता ही नहीं है, घरों में भी पानी नहीं आता, टैंकर डलवा के लोग परेशान है, वो कहाँ से पैसे लावे, जो किराए पे रह रहे हैं बेचारे कहाँ से पैसे लावे, भाई समय इतनी बड़ी समस्या हो रही है पानी की, पूरा बाजार ही इससे परेशान, बाजार परेशान है। कोई कभी कोई समाधान के लिए कोई आए यहाँ पे सर्वे करने या कुछ और करने? ना जी, कोई नहीं आया, कोई भी नहीं आता, कुछ नहीं, लावारिस छोड़ दिया है। शहरी लावारिस है, शहरी लावारिस। ये देख लो जी, शहर लावारिस है, एक भाई यहाँ पे आकर के रुके हैं, जरा इनसे जान लेते हैं। भाई साहब कहाँ के रहने वाले हैं? चरखी दादरी। कौन से मोहल्ले में? चंपापुरी। वहाँ पानी आता है ना? पानी ना हो, ना कोई गाड़ी कूड़ा की जाग, ना कोई ना, कुछ ही नहीं है वहाँ तो, कुछ नहीं। ऐसा क्या हो गया जी, क्योंकि प्रशासन तो कह रहा है हमने बहुत कुछ कर दिया, जाके ऑफिस में जाके कह ली, कोई समाधान नहीं। आपके तो वहीं की वहीं जल घर भी है, हर सीवर रुक रहा, सीवर खातर जा लिया था तो जी, कोई मतलब नहीं काम को। तो अब क्या करने वाले, चुनाव भी आगे, चुनाव बदलाव की लहर है, बदलाव के। हाँ, भाजपा गई गई, भाजपा गई, बदलोगे जी? हाँ जी, बिल्कुल यार, बिल्कुल भी बदलेंगे। देखियो कदे कांग्रेस भी काल या यो हाल कर दे आपका, कांग्रेस जी करेंगे ना तो ये पिछली बार भी यो हाल करया था, और सरकार इबकाल हाथ जोड़ के वोट मांग रही है तो ये इसका समाधान उन्हें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है? और हम तो यहाँ पर मोल पानी ले लेके पीते हैं, बता कैसे कैसे काम चलेगा ये? ठीक बात है अंकल जी, क्या करोगे, बदलोगे अब की बार क्या करोगे? देखो जी, हालात को देखते हुए तो फिलहाल तो माहौल खराब है इस सरकार का, क्योंकि लोगों को पानी नहीं पीने के लिए, जिसको पीने के लिए पानी नहीं होगा तो सरकार क्या करेगी? सारे आप वार्ड नंबर 13 के तराए तराए मची हुई है, इस टाइम जाकर मैं आपको मौका दिखाऊंगा, घर घर के अंदर जो है ना तराए तराए मची हुई, वोट तो बहुत बाद की चीज़ है, पहले पीने पानी को ना तो क्या है? जी बिल्कुल, वोट बहुत बाद की चीज़ है। इधर भाई हो रहा है, भाई से भी जान लेते हैं, भाई क्या हालात है? हालात जी आपने भी बताओ तो बुझी है कि बदलोगे? 5 साल पहले वोट मांगने आया था जब दिखा था, अच्छा, और ये वोट चाहिए तो भी नहीं दिखा, उसने नूबे राम ने के करया है के नहीं करया है, हर जगह विरोध, हर जगह विरोध है। बाकी आप ज्यादा घूमो, आप तो ज्यादा वेरा है तो ये खुद देख लो जी, बदला नहीं बदला, बदलाव की लहर है जी बढ़िया। तो दूसरे जो आ रहे हैं जो नेता, उनसे क्या बातचीत हो रही है अभी? उनसे जी देखो, आश्वासन तो ये भी दे रहे है, इन पर भरोसा करके देख लिया, एक बार इन पर भी करके देखा गे कि काम खिंचा करके देवा पाछे फिर अगली बार। 10 साल पहले तो इन पर भरोसा करे रखा था कांग्रेस पे, ये बाद में नए बदले हैं जी, रावदान सिंह आया है, बात धर्मवीर का तो आपने वेरा है दादरी का नहीं देखा है, खुद सतपाल रैली में कह रही है यह बात, तो
देखा गया जी कांग्रेस की और जो बदलाव की लहर है भाई। एक ऑटो वाला और खड़े आड़े सी वो भाई तो और पूछ ला भाई साहब कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो भाई रावल दी से। रावल दिन पानी पुणी की समस्या से? भाई पानी तो पीने का है नहीं, बहुत ही समस्या है, बहुत समस्या है पानी की। अच्छा तो और क्या क्या समस्याएं हैं गांव में? गांव में हर समस्या है, कोई समस्या समाधान हो ही नहीं रहा। सरकार ने नहीं करवाया कुछ भी नहीं, यहाँ का कोई रुखाड़ी नहीं है। कोई रुखाड़ी नहीं तो क्या करोगे चुनाव में? चुनाव में हम तो भाई बीजेपी से परेशान हो लिए, हम चाहेंगे कांग्रेस को जी। यहाँ पे कांग्रेस भाई और भी लोग हैं यहाँ पे, एक बार थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं कहाँ कहाँ पर क्या कुछ हालात हैं, उन सब चीज़ों को देखते हैं यहाँ पर। भाई जी कहाँ से पहुँचो? यहीं से हूँ भाई। दादरी से ही हो? हाँ जी भाई। कौन से मोहल्ले में रहते हो? भाई जी यहीं पे, ये मोहल्ला है नहीं सही। अच्छा चरखी गेट की तरफ? हाँ जी। अच्छा क्या हालात है वहाँ पे, सुविधाएँ मिल रही हैं? नहीं जी सुविधाएँ तो कम है। कम है? पानी आता है? पानी वगैरह आता है भाई। ठीक मिल जाता है? हाँ हाँ। बिजली? बिजली की भी ठीक है, और बाकी रोड वगैरह की समस्या है। रोड की समस्या है तो कभी कोई उसको ठीक करने नहीं आया कोई भी? क्या बताएं भाई जी, अभी तो कोई नहीं है। ठीक है जी, यहाँ पर भी समस्याएं हैं। ये ताऊ जी हो रहे हैं जी, ताऊ जी क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या हाल है सुविधाओं का? सुविधा पानी पाँच पाँच दिन हफ्ता हफ्ता निकल जाए जी, और सीवर लोग हैं सारे। एडजस्टमेंट किस तरह कर रहे हो इतने दिन आते हैं? तो क्या करें, किसके मारे? नहीं मांड मूंड की तो जरूरत को नहीं, कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाए इसको दे। आवाज़ उठाने अधिकारी भी नहीं सुनते, कोई सुनाई नहीं करता। अच्छा कोई भी सुनाई नहीं करता, कोई नहीं सुनता। तो ये वोट मांगनी आओ इनके, आप लोग सुन रहे हो? वोट वाले खुद बिके से बिक जाए। अच्छा जीता देगा आगे बिक जाएंगे। अच्छा तो वोट बिकने वैसे बड़ा दुख है। तो आप क्या विचार किया है चुनाव तो आगे? चुनाव आगे मन मर्जी का वोट, क्या पता किसने बनाओगे प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री देखेंगे। अच्छा सोचना है अभी? हाँ जी अभी टाइम है सोचने का। चलो सोचने का टाइम है। इधर और भी भाई लोग हैं भाई। बाईस तो बात कर ले, वोट तो डालेगा कि नहीं? है मेरा वोट पे को नहीं, वोट किस तरह डालूंगा? 18 साल तक तो बड्डा है फिर बनावा को तो मैं किस किस तरह बनाया कौन तेरा वोट भाई? तू मेरे 7 साल और तेरे वोट बनवावांगे मन्ना बनवाना है नहीं भाई, ये तो बनवाना है नहीं चाहता भाई साहब। हालात के हैं आज के दिन, सुविधाएं के कोई में नहीं जी, पानी जा पानी को नहीं जी, राजनीति को नहीं। अच्छा दुखे है, सुख है कौन करती जी। तो ये रोज विकास के नाम पे तो वोट मांगने आने लगे, तो इन तई के कहने आले हो? नहीं वोट नहीं दोगे ना, फिर किस तई देने वाले हो? अच्छा नहीं पार्टी बनाएगी? अच्छा अभी तक सोचा नहीं है? नहीं बनाएंगे जी, नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। ये कमाल की बात है कि नहीं बनाएंगे। यहाँ पर और भी लोग हैं, जरा धीरे धीरे सारे भाई। वोट बन रहा है? हाँ बन रहा भाई। किस तरह देने वाला है? ये तो कांग्रेस में देवा है। कांग्रेस तो ही देगा भाई। हाँ जी क्या हाल चाल है? हाल चाल तो बढ़िया है सर। पानी और बिजली की तो इतनी समस्या है कि पानी रात को तो मच्छर खा के और बीमार वाली हालत तो बस पूछो ही बना, इतनी हो रही है। पानी और सीवरेज का पानी हो जाए सारा तो गंदगी भरी पड़ी है, पानी आता नहीं, सीवर व्यवस्था खराब है जी। बिल्कुल ऐसे हो रहे हैं कि पानी की तो समझो कि आज 2-3 दिन हो गए पानी ने भी, 5 दिन भी हो गए पानी ला ला के खारा पानी से नहाना और धोना, कपड़े भी अच्छी तरह नहीं धोते, ऐसे स्किन डिजीज और हो जाएंगे। मरना पड़ेगा जी, यही हालत रही तो इस देश की, जो पानी की समस्या बिजली की समस्या नहीं मिलेगी तो आदमी चलो रोटी तो पानी के साथ खाए गुजारा कर सकता है, लाइट और इसके बिना मच्छर खा के तो डॉक्टर नहीं संभालते हॉस्पिटल में। ठीक है तो ये तो बड़ी समस्या आ गई। तो अब चुनाव में भी ये लोग आने लगे और न्यू के हमने तो सब किम दे दिया, किम में दे तो दे तो सारा कमीज इतनी भागदौड़ ने करनी नहीं पड़े जी, चुनाव में सब में कर देते तो इतनी भागदौड़ होती नहीं लोगों की। तो क्या करोगे फिर, ये जब वोट मांगना हो तो इन तो पूछो भी हो गए अगर भाई तुमने क्या करा क्या नहीं करा, पूछो भी हो के पूछेंगे जी। ये तो कर दिया हमने सब में कर दिया, करता तो जनता का आगे दिखता है सब कुछ, जो कुछ होता है तो जनता को सबको पता ही होता है भाई। अच्छा। ये कुछ किया है इसने किया उसने किया, ठीक है मतलब कुछ नहीं हो रहा तो ना जी, कुछ नहीं हो रहा। पर पानी आप क्या करने वाले हो? आप तो कुछ ना करने वाले हैं जी, 25 महीने चुनाव में वोट तो डालना होगा, वोट डालना होगा जी। उस मशीन पर जाकर सोचेंगे किसको देना है फिर, वो पहले नहीं सोच के ना पहले सोच के नहीं जाओ, फिर देखेंगे भाई हमारी पानी और बिजली की समस्या कौन पूरी करता है। अच्छा तो मतलब इन्नत करी नहीं?
ना जी कोई कोने 60 साल तो ऊपर हो लिए पिल्सन के बारे में नू करना है वो करना कुछ तो नहीं मतलब हो रहा इनका तो बदलना तय है, है? हाँ जी वो देखो कैसे क्या कुछ चल रहा है बात तो लागे मन तो और केवरा पटना जी वो तो इब्बे मेरा एक तो बदलना थोड़ी हो रहा है जी जब पब्लिक साथ पूरी होगी जब बदला हो ठीक है जी बहुत बढ़िया जी क्या लगता है जी आपको भी वोट तो डालोगे नहीं डाले वोट भी नहीं डालो सरकार से तंग हो रहे बिल्कुल तो वोट तो डालने का फिर भी आपका अधिकार है हमारी मर्जी के मालिक है जी डाल ये हो रहा है मर्जी के मालिक है अच्छा वैसे वोट तो डालनी चाहिए देखो नहीं डालेंगे नहीं डालेंगे भाई साहब बिल्कुल साफ है कह दी तंग रखे है बहुत तंग रखे बहुत बड़े तंग हो करके अब हालात ये हो गए कि वोट ही नहीं डाल रहे हैं नमस्कार जी राम राम जी क्या हाल चाल है आज के दिन बहुत बढ़िया जी आप सुनाओ व्यवस्था ठीक है व्यवस्था पानी की खराब अच्छा पर भी दिखा भी दे भाई देखिए इधर ये शिविर को दिखाओ नीचे हैं ये देखो ये क्या हालात है पानी शिवरेज की व्यवस्था खराब है और बाकी सारी चीजें ठीक है और क्यों आग रहे बालका खातर शिक्षा की आपके स्वास्थ्य की रोड की बिजली की बस कुल मिला के कोई मजे वाली बात नहीं है किसी की मजा नहीं आया 10 साल हो गए एक सरकार ने फिर भी मजा नहीं आया को नहीं आया के बस की बात से तो ईब के करने वाले हो ये तो की कराएंगे कि नहीं कि मैं तो पलटाएंगे विकास का तो कराएंगे विकास का वोट दिलवाएंगे ये जो कितने धर्म के नाम पर वोट मांगे हैं कितने राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे हैं कितने क्यों मैं ये तो राजनीति के है तो इसमें कोई वोट को नहीं दम को नहीं बताता मैं तो विकास के नाम पे वोट पड़ेगा ना नहीं पड़े विकास के नाम पे वोट नहीं पड़े क्या विकास होया एक ईंट नहीं लागे 10 साल हो गए बहू जी तो किस नाम पे अब की बार वोट पड़ने वाले हैं वोट अपनी मर्जी का है किसी ने भी देवा जी इनने तो ध्यान ही और किसी ने ध्यान भाजपा तो ही देवा नहीं आज आपका क्या विचार है जी मैं तो भाजपा नहीं हुआ भाई पक्का दोगे पक्का मोदी ने फिर बनाओगे तो जनसंख्या मतलब पूरी लहर है ही भी हाँ नहीं क्यों है यो जनसंख्या भाई साहब अच्छा यो काम का ऊपर की बात कर रहे थे मौका देख के जाएंगे भाई किसका पोजीशन होगा उसने देवा आपस में दोनों दोस्त तो नहीं हो ये दोनों एक दूसरा की भाई खिंचाई कर रहे हैं नहीं है ना ये हम दोनों साथी होने बैठे ये बीजेपी की देगा ये बीजेपी देगा जी ठीक है बीजेपी को देगा पक्का हाँ पक्का क्या क्या करवा दिया बता तो दो करवा सारी जी आपने केस बाबू जी बात सुन ले अपना तो काम वही है काम तो करना ही पड़ेगा दुकानदारी करा तो दुकानदारी होगी और क्या कराएंगे बताओ मिनिस्टर तो लागे कोई मिनिस्टर तो वही लागे जो है ठीक है अपना हाथ में आप खड़े हो जाओ आप भी मिनिस्टर बन जाओ ना आप तो अपने घर में मिनिस्टर साए अपन की जरूरत है मिनिस्टर की गलत नहीं है ना बताओ राष्ट्रपति बन रहे हैं भाई अपने अपने घर के सब है गलत नहीं है ना ना वो चलो ठीक है लेकिन अब इन हालातों को देखते हुए वोट का क्या रहेगा जी क्या पता ये रुझान बताओ कुछ नहीं है ये तो मुंह है वो भी ठीक हो जाएगा की क्या हो जाएगा सब क्यों हो जाएगा चलो ये भी ठीक हो जाएगा जी और भी हैं भाई साहब राम राम क्या हाल चाल है आजकल सुविधाएं के कौन सा गाँव से हो पांडवान पांडवान से पांडवान में तो थारा पानी की बड़ी समस्या थी ये भी है कि रही है भाई समस्या रही है जा है क्यों मैं गया था तेरे गांव में जब मन पता है समस्या तो रहे भाई पानी अच्छा की। पानी तो माहौल के चल रहा गांव में आज कांग्रेस को भाई चल कांग्रेस का मतलब भाजपा गई मारा वक्त था गांव माता तो गई नु जी गांव माता तो गई एक भाई और उरान भी खड़ा है बड़ा बड़ा हाथी हो रहा भाई छोटा हाथी तो रहा नहीं क्या हाल है भाई बढ़िया जी अपने और चुनाव का क्या हाल है चुनाव का जी अपने कांग्रेस का ज्यादा जोर है अच्छा की बात है कोई समस्या बनी रहेगी विकास नहीं कर रहा कुछ विकास नहीं हो रहा जी अच्छा। महंगाई ज्यादा जीएसटी इतनी लगा ली डीजल पे इतने महंगे हो रहे हैं मैं तो जाट जमींदार हूँ ठीक है चलो ये वाली चीज है और भी लोग यहाँ पर हैं महिला भी हैं महिलाओं से जरा जानने की कोशिश करते हैं है? कि कहाँ से पहुँचे नमस्कार जी नमस्कार कहाँ से पहुँचो दादरी से ही हाँ वोट डालते हो हाँ क्या मूड लग रहा है आपकी बार इनकी बार ही बता कुछ सकी मुखन बातचीत नहीं हुई भाई घराले बताऊंगे हाँ घराला बताऊंगा तो अभी यहाँ साथ में कोई आया होगा आपके वो तो मेरा भाई है अच्छा तो के लगा आपने काम कुम हुए थारे जो दम ने जरूरत थी वह कि मैं काम ना हो रही अच्छा जो जरूरत थी वे तो हो ना रही अच्छा वोट लेने का वक्त तो एक हाथ की जीभ काट दे पाछा अपना घर में जाए एक हाथ लंबी जीभ काट और कि मैं ना करी तुम अच्छा तो ईब उनकी जीभ और लंबी नहीं निकलवाओगे
जी करा उसकी जी करेगा उसकी डालेंगे भाई। राम राम। वोट बन गई? वोट नहीं बनी है। 18 साल का तो हो गया होगा? मैं 21 साल का हूँ। उरा कौन फतेहगढ़ को हूँ। और फतेहगढ़ में भी तो वोट बननी चाहिए थी। बन रही है वोट? तो वोट बन रही है। हाल के पल फतेहगढ़ गांव का हाल बता दे। फतेहगढ़ गांव में बन जाइए, कई दिन हो गया उरा रहूं दादरी। तो दादरी का हाल बता दे। तो मन ना करो बता दे। नहीं बेरा भाई ने बेरा नहीं। चलो ना जी कोई बात नहीं, एक बार रखो आप, ठीक है ना? कोई नहीं, पानी पीवांगे जी, पाछे पीवांगे। पहले आप अपनी बताओ के व्यवस्था है आज के दिन दादरी? तो पानी है न बिजली है, आज बड़ी बड़ी इमारतें हैं डिंगा, कि हम ये कर देंगे 100 गज का प्लाट कांग्रेस वाले के जहाँ प्रीम दे देंगे, है लेने गज जमीन को नहीं, और सारे काम की डिंग मार के चले जाते हैं। अच्छा। अब ये बीजेपी वाले आए थे बाजार में घूम के चले गए, लेकिन इन्होंने व्यवस्था दी भी करांगे काम करांगे, कोई काम की व्यवस्था नहीं। कुछ नहीं, फिर आपने 10 साल हो गए, 10 साल में क्या कराया? 10 साल में आपने क्या कराया? धर्मवीर ने भाई कोई यूनिट लगवाई है दादरी में तो कितने लागे हो दिखे को नहीं, 5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, लेकिन देखो कहाँ कब तक शर्मिंदा चलती है ये। लेकिन अब वोट कैसे मिलेगा इन लोगों को? मोदी जी कहते हैं इतना काम कर दिया, इतना पैसा भेज दिया, वो जाता कहाँ है पैसा? वो तो नुको है, मोदी की लहर चल रही है। हाँ जी, वो कह है मोदी जी की लहर, मोदी जी की लहर तो नु फैल हो जाएगी ना, जब ना पानी दोगे ना बिजली दोगे तो किस लिए चलेगी फिर वो लहर, बंद हो जाएगी। क्या करोगे? चुनाव तो आगे सर पर है, सर पर आगे चुनाव, तो सरकार काम करेगी तो मिलेगा वोट, नहीं तो नहीं मिलेगा। 10 दिन में काम करके तो क्या फायदा? पिछले 10 साल का कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं? कि मैं रिपोर्ट कार्ड को नहीं जी, एक नाथ डिंगा मार के चले जाए और अपना पिट्टा भरे पार जाए। मतलब फिर बदलोगे या गिनन फिर लागे एक बार एक और ट्राई दोगे? अपने तो एक वोट सच करके आया है, लेकिन सरकार के साथ तो चलना ही चाहिए, लेकिन फिर भी काम नहीं होगा ना। सरकार तो आप चुननी है जी, सरकार इनका तो टाइम हो गया पूरा, तो दूसरी सरकार बनानी है, उसमें आप किसका का नहीं हो? ये हम तो देखो जी बीजेपी के साथ बंधे हुए हैं। अच्छा। हाँ, काम कराओ चाहे ना कराओ, बीजेपी जिंदाबाद। ईसा भी के खास बात भाई? खास बात है 50 साल से वोट डाल रहे हैं, बुरी हालत में रहने के लिए तैयार हो सब कुछ है ना? बुरी हालत में रह लिए बहुत, बीजेपी 50 साल में आई थी 10 साल से, आ रही 10 साल में इन हमारी और खसिया निकाल दी। तो फिर बदलाव नहीं चाहते कि बदलाव इनको भी अक्कल लगे? इनको भी अक्कल लगे तो बजाओ जब मेरा पटेगा ना। पर आप तो वोट तो फिर बीजेपी इन दे हो तो ये फिर एक वोट से क्या होगा बाबू जी? पर हम तो बंदे एक वो ही कहते हैं जी, बूंद बूंद से सागर भरता, आपकी एक वोट तो एक और गागर भर जाएगी इनकी। चलो ये देखो जैसा होता है बाजार करेगा, उनका काम करना चाहिए, आना चाहिए बाजार में। अच्छा। लेकिन पानी की और की समस्या हो तो मंत्री जी ने MLA ने आना तो चाहिए बाजार में कि भैया समस्या फूट रहा है, कि पाइप भी ठीक नहीं हो रहा, तो वजह तो बतानी चाहिए ना जी। बिल्कुल। और यहाँ पर देख सकते हैं भाई काम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी बीजेपी के समर्थक हैं कुछ लोग उधर और हैं, जरा उधर सामने से देखते हैं एक बार, सामने ताऊ जी बैठे हैं, ताऊ जी से जरा जान लेते हैं। जय सियाराम जी। हाँ जी, क्या हाल चाल है वोटा के? ठीक है, बढ़िया है। व्यवस्था होगी सारी? व्यवस्था सारी बनती आन लग रही है, गरीबों के में बहुत बढ़िया है, बाकी और पब्लिक जाने। अच्छा। समझे के हक में कर दिया गरीबा के सरकार ने? गरीबा के हक में बस जो कुछ चाहिए उन्होंने मिलने लग रहा है। क्या मतलब? अनाज मिल रहा है? अनाज भी मिल रहा है, सारी चीजें मिलने लग रही है, और बताओ जो नहीं घूमेगा उसके लिए तो कुछ है नहीं। अच्छा। बाकी घूमने में सारी चीज मिल रही है, इससे आगे कुछ नहीं। किसने वोट दो? वोट देखो ये तो जब भाव चढ़ेगा जो कहेगा ना, हाँ भाई ये कर देंगे। अच्छा। लेकिन करना तो पैसा बेचने वाले हो है? पैसा बेचोगे ना? पैसा में नहीं बिकेगा एक भी तो। अपने वोट जाएगा अपनी मर्जी का। अच्छा। पैसा में देवा ना, जो पैसा देना होगा वो आपका घर ना खेल लो कुछ दो, समझे? हाँ, इसलिए वोट अपने मनमर्जी का। कई सारे लोगों से हमने बात की है, कई सारे लोगों ने कह दिया है कि भाई बदलाव की लहर है, कईयों ने कह दिया है कि भाई काम चाहे हुए ना हुए लेकिन वोट तो फिर भी मोदी देंगे, ठीक है? तो ओवरऑल बात यही है, वही मिली जुली सी प्रतिक्रिया फिर से। हालांकि अगर यहाँ की अगर हम बात करें जो समस्या का को हम आज उठाने के लिए आए थे, कि ये जो एरिया है हीरा चौक का, इस एरिया में आसपास में जो पानी की जो बड़ी समस्या यहाँ पर है, 4-4, 5-5 दिन तक लोग पानी के लिए तरसते रहते हैं, सिविर व्यवस्था बिल्कुल चरमराई हुई है, तो ऐसी स्थिति से कहीं ना कहीं जो है सरकार को भी सोचना चाहिए था, प्रशासन को भी सोचना चाहिए था, कि लोगों को जब आप टैक्स ले रहे हो सारी चीज़ें कर रहे हो तो उनको सुविधाएं भी देने। लेकिन अभी तक यहाँ पर देख सकते हैं आप हालात नालों के,
और पानी की व्यवस्था की आप लोगों के लोगों ने बताई दी है, समझना आप लोगों को है। हालांकि कुछ लोग जिन्होंने ये कहा है कि हम वोट नहीं डालने जाएंगे, हम लोगों से यही अपील करते हैं कि वोट ज़रूर डालने जाइएगा, क्योंकि वोट जब आप डालेंगे तो एक अच्छी सरकार चुन पाएंगे और अच्छे लोग आपके लिए अच्छा विकास कार्य भी कर पाएंगे। हमारा तो यही कहना है, आप बने रहिएगा चैनल के साथ, आगे भी कुछ नई सूचना और जानकारियाँ आप तक पहुँचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले समय में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं समझ ढाका VTS लाइव न्यूज़ के लिए।